सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों राजपुरा के एक निडर और ईमानदार एडवोकेट अभिनव उब्राय द्वारा आईजी पटियाला को शिकायत पत्र देकर शहर के पार्कों में लगाए गए फुहारों में कथित तौर पर पब्लिक फंडों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर पुलिस की तरफ से जांच कर रिपोर्ट के आधार पर लाखों रुपए का घपले के अलावा मेयरमेंट बुक खुर्द-बुर्द करना पाया गया था। इस मामले में सबसे बड़ी बात फुहारों को लगाने में सबसे पहले जिन अफसरों का सबसे बड़ा हाथ था, जिनमें उस समय के एमई ब्रांच में काम करने वाले मुकेश कुमार, परशोत्तम कुमार, एचडी मेहता, राकेश कुमार व उस समय के जेई अमित कुमार को क्लीन चिट दे तीन लोगों के खिलाफ, जिनमें उस समय के नगर कौंसिल प्रधान प्रवीण छाबड़ा, ईओ वीरेंद्र कुमार जैन व उक्त फुहारों को लगाने वाले ठेकेदार एकम कंस्ट्रक्शन के मालिक विक्रम वालिया के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, FIR में साफ तौर पर लिखा गया था कि फुहारों में घटिया सामान लगाकर हेराफेरी की गई है, परंतु इसके बाद भी तकनीकी टीम को किस आधार और किस कारण से क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि जिस मेयरमेंट बुक में काम का रिकॉर्ड लिखा जाता है उस मेयरमेंट बुक को चोरी करवा खुर्दबूर कर दिया गया था, इसके बाद भी किसी की जिम्मेवारी तय क्यों नहीं की गई। एक्ट के मुताबिक जिस जगह पर नगर कौंसिल की तरफ से काम करवाया जाता है उस जगह पर एमई ब्रांच के अधिकारी समय समय पर चल रहे काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को चेक करने के बाद विभाग को रिपोर्ट देते हैं कि मटेरियल सही तरीके से नियमों के अनुसार लगाया जा रहा है या नहीं। अगर मटेरियल सही नहीं होता तो उक्त काम की पेमेंट रोक दी जाती है। मगर हैरानी की बात यह है कि एमई ब्रांच को पाक साफ बताने से सवाल उठने लाजमी है कि आखिर उस समय के एमई ब्रांच में काम करने वाले उक्त अधिकारियों को इस मामले से अभी तक बाहर क्यों रखा गया। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।